मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं रोली सिंह रघुवंशी खुला आसमान संस्था चलाती हूँ इसी रविदास घाट पर। ये हमारे पीछे पूरे बच्चे हैं, ये हमारी पूरी टीम है। खुला आसमान, पहले मैं बता दूं कि खुला आसमान बंद कमरे में बनी हुई संस्था है, और एक साल तो मैं ग्राउंड पर नहीं थी, हमारी टीम काम करती थी। बस मुझे फ़ोन से बताना होता था कि काम कैसे होता है, क्या होता है। तो एक बंद कमरे में बना हुआ एक औरत का विज़न है, जो विज़न रविदास घाट पर रोली सिंह पूरा करती है। महिलाएं, पहले तो मन की बात इसी घाट के सीढ़ी पे आकर के पहले बोलना जरूरी है महिलाओं को। तो पहला महिलाओं के लिए विकास तो यही है कि वो पहले बोलना सीखे, अपने अधिकार के बारे में जाने। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि आज पूरा स्ट्रेस माहौल है हमारे यहाँ। बच्चे एकदम, आप देखे होंगे कि वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी भी तरह। उनके, मेरा खुला आसमान का एक ही उद्देश्य है कि उनके चेहरे पर स्माइल लाना। एजुकेशन है, गेम है, और आगे और भी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके साथ बच्चे इंगेज रहते हैं। हम लोग ब्रिज कोर्स यहाँ इसी घाट पे चलाते हैं 3 बजे से 6 बजे के बीच में, जिसमें क्लास 10 तक के हमारे बच्चे हैं। जिसको कुछ नहीं आता उनको हम लोग भरने की पूरी कोशिश रहती है। स्कूल से हमारा कोलैबोरेशन है, हम लोग इनका फ़ीस सबमिट करना, आगे का जो कुछ बच्चों का हम लोग फ़ीस सबमिट करते हैं। अभी हम लोग गर्ल्स चाइल्ड जो है उसके एजुकेशन को और प्रारूप देने के लिए, इनका एजुकेशन ना रुके तो हम लोग फ़ीस सबमिट करते हैं स्कूल से। सर जी हमारे पास आते हैं तो पहले हम लोग पहले एग्ज़ाम होता है, देखते हैं कि वो किस क्लास में बैठाने लायक है। वापस तो नहीं करती, कोशिश रहती है कि वो आए कम से कम, क्योंकि सीखे। तो जब एग्ज़ाम हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि उनको किस क्लास, किस सेक्शन में हमें भेजना है। पहले मैं यहाँ 13 बच्चों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास 70 बच्चे हैं। रोली सिंह जो भी है आपके सामने, वो जो भीख बोले, आज उसी बिगर्स कम्युनिटी की वजह से आज मैं हूँ। 2012 में मैं 10 परिवार अडॉप्ट की थी, आज कहीं ना कहीं वो रोज़गार से जुड़े हैं, और आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। हमारी बाल आयोग के साथ इस बार मीटिंग थी, आगे का जो प्रावधान है हम लोग उन्हीं के साथ मिल करके इस कम्युनिटी पर हम लोग काम करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ी हो चुकी है। इसको टैकल करने के लिए हम लोग यही पहले सोचते हैं कि पहले तो माँ बाप पहले रोज़गार से जुड़े। और आज भी चाइल्ड अगर लेबर की बात की जाए तो आप देखे होंगे कि कुछ घाट्स पे, कुछ जगह पे बच्चा चाय बनाता और साथ में वो पढ़ाई भी करता है। बाल आयोग के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो ये बहुत कुछ, ये लेबर ऑफिसर के पास ये प्रोजेक्ट है, अब उनके स्कूलिंग का भी ध्यान दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रावधान है कि वो जुड़ करके, तो जोड़ना ज़रूरी। अभी शायद अवेयरनेस नहीं आया है, ये 2-3 महीने में इस पर बातचीत होगी हमारी कि वो ज़मीन पर भी आए, लेकिन अभी कोशिश है। इस घाट के सीढ़ियों पर जब आते हैं बच्चे तो ये जेंडर वाली जो समस्या है पहले वो खत्म होती है। आपको बताऊं कि 2 साल पहले बच्चों की दादियां आती थी, आज बच्चों की माँ आती है। आप देखे होंगे कि जो 3 बजे से आप लोग लेट आए, वो 3 बजे से आकर के पहले वो आते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये स्टेप बढ़ाना पड़ा, आज सारे लोग बराबरी पर आते हैं। हमारा पहला उद्देश्य रहता है बराबरी का, महिलाओं और बच्चों को टैकल कर लेते हैं, समझा लेते हैं, तो पुरुष प्रधान ऑटोमेटिक समझ जाता है, धीरे धीरे ही सही वो समझ ही जाता है। ये
इस पर अभी हमारा बातचीत चल रहा है, काम हो रहा है। बेगर्स कम्युनिटी पर जब मैं पहले काम करती थी तो वो हैंडबैग बनाते थे। आज महिलाओं के पास हुनर है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब घर के अंदर वो विकास कर ही रही है, बाहर के लिए भी उनको बस एक आकार देने का ज़रूरत है। घाट पर आज से 2 साल पहले आना ही हमारे जैसे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम आएंगे कैसे। हर जगह नशे से, ये जैसे बता ही दिया जाता है कि नशे से पूरा लिप्त घाट है, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि मुझे कभी उन नशेड़ियों से लड़ना नहीं पड़ा जितना मुझे पढ़े लिखों को समझाना पड़ता है कि मैं कर क्या रही हूँ। ये कैनोपी हमारे लिए 3 बजे से 6 बजे तक पूरा खाली हो जाता है। कितने भी बुरे स्थिति में लोग रहे, कितने भी नशे में बुरे रहे हो, वो हट जाते हैं कि यहाँ मैडम कुछ अच्छा कर रही है। अब पूरा चीज़ हम लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही हो रहा है, चाहे वो DIG लेवल का सपोर्ट हो, चाहे आपके थाने का सपोर्ट हो, पूरे सपोर्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम विद्या भारती है और मैंने 2 महीने पहले मास्टर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम BHU। और मेरा स्कूलिंग हुआ है फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और यहाँ क्योंकि मेरा एडुकेशन यही है तो अभी मेरा डोमिसाइल अभी मैं यहीं रह रही हूँ अपने भाइयों के साथ। तो इस संस्था के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसा बच्चों के पढ़ाई के बारे में, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आई घूमते फिरते और मैंने इन लोगों से बात किया और यहाँ का माहौल देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन एज अ यूथ यहाँ करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपना आधा घंटा एक घंटा व्हाट्सएप चला के, रील्स चला के, स्क्रॉल करके बर्बाद तो कर ही देते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक घंटा दो घंटे कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिसका फ्यूचर में हमें तो हमारा तो रिविज़न होता ही है, बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ हम इंडिया का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो एज अ यूथ हमें डेवलपमेंट में साथ देना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैं यहाँ जुड़ी और यहाँ तो पढ़ाई है, ऊपर से यहाँ एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। मुझे फैमिली जैसा ट्रीट किया जाता है और मुझे यहाँ फैमिली जैसा माहौल भी मिलता है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं यहाँ कहीं बाहर आ गई हूँ और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिमाग शांत होता है, मैं मोटिवेटेड होती हूँ और बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल भी गई हूँ। अगर वुमेन एडुकेशन की बात करें तो खैर पहले से अभी तो डेवलप्ड हुआ है, पर इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि बिना एडुकेशन के जो गर्ल्स है या जो वुमेन है वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो सकती हैं और बिना फाइनेंशियल स्टेबल के इक्वालिटी सोसाइटी में मेंटेन हो ही नहीं सकती है। तो जो हमारा बेसिक है वो है पढ़ाई, उसके अलावा माइंड का डेवलपमेंट। वो तभी होगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के पढ़ाई करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे, तो हमारा सोचने समझने का जो एक ताकत होता है ना वो भी एक्सपैंड करता है। जैसे मैं घर पर रही तो वो परवरिश मेरी अलग होती, मैं हॉस्टल में हूँ तो वो मेरा माइंडसेट बहुत अलग है। अलग अलग लोगों से घुलने मिलने में दिमाग अलग अलग डायमेंशन में डेवलप्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए और लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा देके उनको पढ़ाई में आगे लेके आना चाहिए। जान्ती, 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 जान्ती,